हे गाइस, वेलकम बैक टू द टेक फार्मेसी। आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ईवो प्लस जो एसडी कार्ड आया है मेरे पास 128 GB का, जो मैंने मंगाया है सैमसंग का। और क्योंकि अभी फ़ोन की मेमोरी जो है बहुत ज़्यादा हो गई थी और अभी मैं वीडियो भी इस पर शूट करता हूँ, सब कुछ एडिटिंग वगैरह इसी पर शूट करता हूँ, तो बहुत ही जल्दी इसका जो स्टोरेज है फुल हो जाता है। हालांकि फ़ोन का स्टोरेज 128 है, प्लस इसमें एसडी कार्ड मैंने 32 GB का लगाया है वो भी फुल हो गया है, तो इस वजह से मुझे मंगाना पड़ा। क्योंकि अब भी मैं फ़ोन प्लस अपग्रेड नहीं कर सकता हूँ, पहले मैं फ़ोन अपग्रेड करने की सोच रहा था, फिर मैंने सोचा 20-30 हज़ार रुपये खर्च करने से अच्छा मैं 1000 रुपये खर्च करूँ। 1059 रुपये का मुझे ये मिला है, अभी फ्लैश सेल्स चल रही थी फ्लिपकार्ट की, तो काफ़ी अच्छा सैमसंग का है ये। तो इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कितनी इसकी स्पीड आती है, कितनी जल्दी डाटा ट्रांसफर कर लेता है या फिर कितनी जल्दी कॉपी कर लेता है, सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। और आपको बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो भी आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो गाइज, आपको सामने की तरफ दिख रहा है सैमसंग के ब्रांडिंग ईवो प्लस के नाम से दिख रहा है, विद एसडी कार्ड अडेप्टर के साथ आ जाता है और 128 GB के साथ देखने को मिल जाता है। ये मैंने एक्चुअली फाड़ दिया था, तो मुझे बाद में याद आया यार मुझे वीडियो भी शूट करनी थी इसकी। और ये देखिए, आप यहाँ पर लिखा है ST V33 है। इसके बारे में आपको यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि क्या होता है, क्यों होता है, और प्लस ये वाटर प्रूफ है, मैग्नेट प्रूफ है, टेम्परेचर प्रूफ है, पूरे सारी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रखी है। वो मैंने थोड़ा टेप मार रखी है, वो अभी मैं यहाँ से को हटा के आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या इसमें मेंशन है। तो यहाँ पर मैंने डबल टेप कर देते हैं आपको थोड़ा बहुत दिखाने के लिए। यहाँ से मैंने इस तरीके से फाड़ रखा, ये है इसका जो वो है XE1 है, 10 क्लास का है, A2 के साथ आता है, जिसका प्रोसेसिंग स्पीड वगैरह है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ ये वाटर प्रूफ है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे सब कुछ एक्सरे प्रूफ है, मैग्नेट प्रूफ है, तो काफ़ी अच्छा सैमसंग के साथ आ जाता है। ये 10 साल की वारंटी के साथ देखने को मिल जाता है। ओरिजिनल प्राइस 4000 रुपये है, लेकिन मैंने 1059 रुपये में फ्लिपकार्ट से इसको परचेज किया है। और यहाँ से सामने की तरफ आपको दिख रहा होगा किस तरीके से है। वैसे तो मैं इसको सैनडेस्क का भी ले सकता था, लेकिन वो 1200-1300 रुपये में वही सेम टू सेम मिल रही थी, लेकिन उसमें स्पीड थोड़ा ज़्यादा मिल रही थी, शायद 150 के करीब, और इसकी 150 है। तो इसको हम यहाँ से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। फाड़ तो मैंने लिया ही है इसको, सिंपल सा इसको करना क्या है, इसको बाहर निकालना है और यहाँ पर इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो इसको यहाँ से ज़्यादा कुछ इसमें अनबॉक्सिंग के लायक है नहीं कुछ भी, सिंपल सा ये अडेप्टर है, ये माइक्रो एसडी कार्ड है इसमें, जिसको चिप भी कहते हैं अगर आप गांव देहात में होंगे तो, वहाँ पर इसको अभी भी चिप वगैरह कहते हैं, और 3T का है। इसके बारे में डिटेल्स में आपको जानकारी यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगी, अगर होगा पॉसिबिलिटी तो मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिखा दूंगा क्या क्या मतलब इनका देखने को मिल जाता है। इनका रीडिंग स्पीड वगैरह होता है काफ़ी अच्छा होता है, ये चीज़ें होती है, तो उसी लिए मैंने मंगाया है इसको। फिलहाल अभी मैं फ़ोन पे इसको देखते हैं किस तरीके इसकी स्पीड आती है। मैंने अभी फ़ोन का डाटा भी इसमें ट्रांसफ़र करता हूँ और आपको स्पीड चेक करवाता हूँ। देखिए, इसके अंदर हमने इसको इंसर्ट कर लिया है और लगाते हैं इसको अपने लैपटॉप में। मेरे यहाँ पर मेरे लैपटॉप पे ऑलरेडी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, देखिए एसडी कार्ड लगाने को, मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लगा दिया है। अगर आपको उसमें नहीं है तो आप जो कार्ड रीडर वगैरह जो अडेप्टर आते हैं उससे भी लगा सकते हैं, जैसे ये सैमसंग का है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या आपको स्टोरेज मिलती है। सो यहाँ पर पहले हम इसका स्पेस चेक करते हैं कि कितना इस पर स्पेस दिया गया है, और ये रहा इसका। और देखिए, हमने इसमें चेक कर लिया है, स्पेस दिखा रहा है 119 GB, 119 GB यूज का दिखा रहा है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत कम है, लेकिन मैंने सब कुछ वीडियोस भी देखी इसी की ईवो 10 की, तो ये इतना ही स्पेस इसका सब पे दिखा रहा है। शायद ये हो सकता है कुछ स्पीड की वजह से होता है, इसका 100 Mbps की स्पीड लगभग आती है। तो अभी मेरा थोड़ा वीडियो वगैरह प्रोसेसिंग हो रहा है, तो अभी हम वीडियो इस पर डालते हैं, मतलब फ़ोन का डाटा सब कुछ इस कार्ड में डालेंगे, तो फिर देखते हैं कितनी इसकी स्पीड आती है। सो गाइज़, अब हम इसमें ट्रांसफ़र करते हैं, 119 GB का इसमें स्पेस दिया गया है। और ये है, हम फाइल यहाँ से ले लेते हैं, इसमें एक फ़ाइल है मेरे पास जो है लगभग 8 GB की, तो इसका स्पीड टेस्ट भी हो जाएगा कितने का होता है। यहाँ से इसको कॉपी करते हैं पहले, और यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर देते हैं। आपको एक बार मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ दिखा देता हूँ फाइल की, देखिए ये देखिए अब इसकी प्रॉपर्टीज़, यह है 7.62 GB का ये फाइल है, तो इसमें पता चल जाएगा कितना इसका स्पीड आ रहा है। पेस्ट करते हैं इसको, देखते हैं कितना इसमें टाइम लगता है। तो कॉपी हो रहा है इसमें, सो अभी तो इसमें देखने को मिल रहा है काफ़ी अच्छी से स्पीड दे रहा है। ये देखिए आप, 53-54 की स्पीड आ रही है, ज़्यादा इसका हैवी स्पीड तो नहीं आ रहा है, लेकिन 130 का लिखा रखा है, लेकिन
इतना अच्छा इसका स्पीड देखने को नहीं मिल रहा है, जो गलत बात है सैमसंग की मेरे ख्याल से। मतलब 130 का स्पीड टाइम दे रखा है इन्होंने, तो लगभग यार 100 का स्पीड तो इजीली देना ही चाहिए था, जो एक मुझे अच्छी बात नहीं है। 53-54 के स्पीड के ऊपर ये जा ही नहीं रहा है। सो गाइज, ये था इसका स्पीड टेस्ट वगैरह, हमने इसका सारा कर लिया है। ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है, 1,059 रुपये का मुझे पड़ा है। अब ये मैंने क्यों लिया है, प्लस ये 4K सपोर्ट कर लेता है और इजीली स्मार्टफोन कैमरा ड्रोन्स वगैरह सब पे चल जाता है। तो सैमसंग एक काफ़ी अच्छा ब्रांड है और काफ़ी अच्छे इसके मेमोरी कार्ड आते हैं, लेकिन मुझे एक ये अच्छा नहीं लगा कि स्पेस इसमें काफ़ी ज़्यादा कम मिलता है। मतलब 128 GB में 119 GB, चलो 125 GB मिल जाता वो भी सफिशेंट था, लेकिन चलो ठीक है। सारे कार्ड मैंने चेक किया, वीडियोज़ देखी, तो इतना ही सब में लगभग मिलता ही है। तो कार्ड अच्छा है, काफ़ी अच्छा स्पीड भी देखने को मिल जाता है, कोई इशू नहीं आएगा। 4 GB का फाइल लगभग 1-1.5 मिनट में ये ट्रांसफ़र कर लेता है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें वीडियो को, और बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ और एक अच्छी गैजेट के साथ। ओके, बाय, टाटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।